आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह के गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासी बवाल मचा है। एक ओर जहां आरजेडी साफ साफ कह रही है कि केंद्र सरकार अपने एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को परेशान करवा रही है एडी सिंह जैसे नेताओं को गिरफ्तार करवाकर, वहीं दूसरी ओर अब सत्तापक्ष हमलावर है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पे। जेडीयू के प्रवक्ता व एमएलसी नीरज कुमार सिंह ने एडी सिंह की गिरफ्तारी के बाद बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर आरजेडी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं नीरज कुमार को क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में विपक्ष की भ्रष्टाचारी राजनीति में एक नया अध्याय, उच्च सदन को कलंकित किया, खाद घोटाला के अभियुक्त को राज्यसभा में नामांकित कर, तो राजनीतिक खाद कौन लिया? उच्च सदन में नामांकित होने में क्या धन की महिमा भी रही है? आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय ने खाद घोटाला के अभियुक्त पर कार्रवाई सुनिश्चित किया, किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले खाद घोटाला वाले को उच्च सदन भेजते हैं, जांच हो। इस आर्थिक लेन देन में उच्च सदन जाने में कहीं धन की महिमा की भूमिका तो नहीं है? और कौन है उसका गुनाहगार, इसकी भी जांच। तो राज्यसभा सांसद एडी सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासी बवाल मचा है। जेडीयू के प्रवक्ता व एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी पर बड़े आरोप लगाए हैं। फर्टिलाइजर स्कैम के आरोपी कैसे आरजेडी में है और राज्यसभा किसने भेजा, ये सवाल पूछ रहे हैं जेडीयू के एमएलसी व प्रवक्ता नीरज कुमार। आपको बता दें कि कल देर रात एडी सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। ईडी के टीम ने एडी सिंह को फर्टिलाइजर घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।